महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पहली बार बिहार पहुंची देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आरजेडी और जेडीयू पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को लालू यादव से बचने की सलाह भी दे डाली। नीतीश कुमार से बीजेपी को झटका मिलने के बाद पहली बार गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंचे और उन्होंने राज्य के पूर्णिया से अपने चुनावी अभियान की भी शुरुआत कर दी है। इस दौरान उन्होंने आरजेडी, जेडीयू, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार पर एक एक कर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि जब मैं बिहार में आया हूँ तब लालू और नीतीश की जोड़ी को पेट में दर्द हो रहा है। वो कह रहे हैं कि बिहार में झगड़ा लगाने आए हैं, कुछ करके जाएंगे। अमित शाह ने तंज कसते हुए कहा कि लालू जी, झगड़ा लगाने के लिए मेरी जरूरत नहीं, आप झगड़ा लगाने के लिए पर्याप्त हो, आपने पूरा जीवन यही काम किया है। इसके साथ ही सभा में नीतीश कुमार के गठबंधन तोड़ने का दर्द भी अमित शाह ने बयां किया और उन्होंने कहा कि मैं लालू और नीतीश जी दोनों से कहना चाहता हूं कि आप ये जो दल बदल कर रहे हो, यह भाजपा या नरेंद्र मोदी के साथ धोखा नहीं है, यह बिहार की जनता के साथ धोखा है। इस दौरान उन्होंने लालू यादव को नसीहत देते हुए कहा कि अगले चुनाव में नीतीश कुमार राजद को धोखा देकर कहीं कांग्रेस की गोद में न बैठ जाए, इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। अमित शाह ने बिहार में जंगल राज की भी बात छेड़ी। नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए शाह ने कहा कि नीतीश कुमार ने लालू यादव को साथ में लेकर जंगल राज के प्रति अपना रवैया स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब लालू जी सरकार में है तो कौन उनसे बचा सकता है। जिस दिन से शपथ हुई है उसी दिन से बिहार में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। वहीं नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने की चाहत पर भी अमित शाह ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश बाबू ने बीजेपी की पीठ पर छुरा भोंका है। आज भाजपा को धोखा देकर लालू की गोद में बैठकर नीतीश जी ने स्वार्थ और सत्ता की राजनीति का जो परिचय दिया है उसके खिलाफ बिगुल फूंकने की शुरुआत भी यहीं बिहार की भूमि से होगी। दरअसल नीतीश के साथ छोड़ने के बाद से ही बीजेपी को बिहार में तगड़ा झटका लगा था। ऐसे में पार्टी को एक बार फिर से मजबूती के साथ प्रदेश में खड़ा करने के लिए गृह मंत्री का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। अपने भाषणों में आरजेडी और जेडीयू की खिंचाई के साथ साथ अमित शाह ने यह भी दावा किया कि आने वाला समय भाजपा का होगा। शाह ने कहा कि अगले चुनाव में ना नीतीश कुमार की सरकार बनेगी और ना लालू यादव की, अगली बार नरेंद्र मोदी का कमल खिलेगा। उन्होंने कहा कि मैं बिहार की जनता से कहने आया हूं कि 2024 में बिहार की जनता अपना फैसला सुना दे कि बिहार में सिर्फ नरेंद्र मोदी का शासन चलेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।